गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। इस वीडियो सेशन में मैं देखने जा रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ Sn1 रिएक्शन। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड वन का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसके लिए एक कंडीशन, खास कंडीशन होना चाहिए कि जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, देखना चाह रहे हैं हम, तो उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये चाहे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री Sn2 रिएक्शन का देखिए या Sn1 रिएक्शन का, जो अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड ऑलवेज क्या होना चाहिए आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपके पास एक कंडीशन होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड है उसके कायरल कार उसके पास एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। तो इफ द अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन द प्रोडक्ट इज ए रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज Sn1 रिएक्शन आर ऑलवेज कंपनीड बाई रेसिमाइजेशन। तो देखिए कि कैसे रेसिमाइजेशन होगा। एक अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, ये ब्रोमीन है, इधर CH3 एंड हाइड्रोजन, और इस साइड हम ले लेते हैं कौन सा, C2H5। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इस अल्काइल हैलाइड में ये कार्बन एटम को ऑप्टिकली क्या होना, ये कायरल कार्बन एटम होना चाहिए या एसिमेट्रिक सेंटर इसको हम बोलते हैं। तो ये एसिमेट्रिक सेंटर तभी होगा जब इस कार्बन एटम से ये टेट्रा वैलेंसी के फॉर्म में अलग अलग ग्रुप और एटम एडेड होना चाहिए। तो देखिए, इधर ब्रोमीन है, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर C2H5 यानी इथाइल है। तो इस कार्बन एटम से सब का सब अलग अलग ग्रुप और एटम क्या है, एडेड है। तो ये जो कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन एटम है, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ये अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएशन होने के लिए, तो देखिए यहाँ CH3, अब यहाँ है हाइड्रोजन, इधर है C2H5, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ये हो जाएगा ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से भी अब अटैक कर सकता है। ये एक तरीके का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ। तो ये एक तरीके का क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हम तभी कहते हैं जब कार्बन के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका क्या, sp2। sp2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका से प्लेनर हो जाता है और ये एक कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, आप यहाँ देखिए कि ये जो कार्बन कायरल कार्बन एटम है वो कितना, ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है वो कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब नेक्स्ट में देखिए, अब इसके तरफ तो या तो फ्रंट से या रियर से किसी भी साइड से न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका अटैक दोनों डायरेक्शन की तरफ से हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि OH- आयन इसको इस साइड से अटैक किया, रियर साइड से, ठीक है, पीछे से इस पर, तब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस पे। इसको हम साफ से लिख लें ऐसे एक नया फॉर्म में, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन, अगेन इसको हम लिख लेते हैं, ये CH3 एंड हियर इज द हाइड्रोजन एंड C2H5। तो देखिए, इस तरफ से यदि OH- आयन इस पर अटैक करता है पीछे से, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपको इस तरीके का, इधर CH3, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ C2H5 एंड OH ग्रुप। ठीक है, यदि फ्रंट से इस पर अटैक हो न्यूक्लियोफाइल का, OH- आयन का, तो ये बनाएगा आपको इस तरीके से कार्बन, इस तरफ से हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन, C2H5 एंड ये हो जाएगा आपका कौन सा, OH। ठीक है, तो 50% बनने का चांस है इसका एंड 50% बनने का चांस है इस प्रोडक्ट का। तो जब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, एक हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक हो जाएगा कौन सा, लिबो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस साइन से और लिबो रोटेटरी को नेगेटिव साइन से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं प्लस माइनस, यानी दोनों 50-50% मिल कर करके ये बनाएगा रेसमिक मिक्सचर का, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यही होता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ Sn1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ Sn1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है,
ऑप्टिकली एक्टिव दो सिमिलर कंपाउंड मिलते हैं, जो कि एक डेक्सो रोटेटरी होगा और एक कौन सा हो जाएगा, लिबो रोटेटरी होगा, और दोनों 50-50% मिल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तब ये बनाता है क्या, रेशमिक मिक्सचर का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन।